बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन जिंजर की रेसिपी। चिकन जिंजर की रेसिपी के लिए हमें पहले चिकन को मैरिनेट करना होता है, फिर उसकी ग्रेवी जो है अलग से बनती है, फिर वो उसमें ऐड किया जाता है। तो आज हम 500 ग्राम चिकन से बनाएंगे चिकन जिंजर। तो उसके लिए आप चिकन जो है जूलियन कट में ले लें और उसको पानी में डाल के, सिरका डाल के वॉश कर लें और सारा पानी स्ट्रेन करके इस तरीके से रख लें बिल्कुल ड्राई करके। और जो इसके लिए हमें मसाला जार चाहिए वो ये हैं: 2 चाय का चम्मच कुटी मिर्च, 2 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 कप दही और ये चिकन पाउडर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून जो है 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है और नमक हसबे जायका है। ये मैरिनेशन के लिए है क्योंकि कुछ मसाला नमक जो है उसमें भी जाएगा, ग्रेवी में भी जाएगा। तो हम चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। एक बड़े मिक्सिंग बोल में चिकन को डाल लें, इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट, काली मिर्च, कुटी मिर्च, चिकन पाउडर, गरम मसाला और ये नमक। नमक आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग डाल लें क्योंकि उसकी ग्रेवी में भी नमक जाता है। और ये 1 लीमू स्क्वीज कर लें आप इसके अंदर। और ये 1 कप दही। ये सारी चीज़ें मैरिनेट करके कम से कम आधे से 1 घंटा लाजमी इसको रखना है। डायरेक्ट नहीं बनाना है आपने, आधे से 1 घंटा इसको मैरिनेट करके आपने रख लेना है, इसको फ्रिज में रख देना है आपको। चिकन मैरिनेट होके इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से आ जाएगी। चिकन जिंजर की ग्रेवी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो ये हैं: 2 प्याज दरमियानी चॉप हुई हुई एकदम, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप हुए हुए, ये जूलियन कटिंग में जो है हरी मिर्चें हैं। और ग्रेवी में जो मसाले जाएंगे वो हैं हल्दी, नमक, पिसी हुई मिर्च और धनिया। ये सब जो है 1-1 टीस्पून है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चिकन को मैरिनेट कर चुके हैं, इसलिए सब चीज़ें जो है उसके अकॉर्डिंग कम कम जाएंगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 2 टेबल स्पून जो है क्रीम है और ये 1 टेबल स्पून ये टोमेटो पेस्ट जाएगा और ये जिंजर है। जिंजर के मैंने 2 जो है यानी आप देख लें 1 कप के करीब जूलियन कटिंग में जिंजर है। चिकन जिंजर में जाहिर सी बात है चिकन जिंजर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसमें से हम बस थोड़ी सी रोकेंगे क्या कहते हैं ऊपर से जब सर्व करेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, बाकी हम पूरी उसमें शामिल कर देंगे। 3/4 कप के करीब ऑयल ले लेंगे। आप चाहें तो बटर भी ले सकते हैं लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल थोड़ा सा हीट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, साथ ही प्याज शामिल कर दें। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें, एकदम डार्क ब्राउन भी नहीं करनी है और एकदम लाइट ब्राउन भी नहीं करनी है, मीडियम ब्राउन से इसको आप सॉफ्ट कर लें और अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। देख सकते हैं प्याज में अच्छा सा कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें हम अपने टमाटर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ इसमें हम हल्दी, नमक, रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च और धनिया सारी चीज़ें डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए और ग्रेवी आपकी एकदम सही हो जाए। अब इसमें हम देखें आप टमाटर ने जो है पानी छोड़ दिया, मसाले ने अच्छी तरीके से मसाला भून गया, टमाटर सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब पेस्ट, ये टमाटो प्यूरी शामिल कर देंगे। अगर आप डालना चाहें, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो ना डालें। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, फ्राई कर लें। और अब इसके अंदर हम
उसको कंसर्न करेंगे, जिसको हमने रखे हुए एक घंटा हो गया, आधा घंटा रखें, एक घंटा रखें, सब टू यू। जितना जितनी देर रखेंगे उतना अच्छा मसाला मैरिनेट होगा चिकन पर। ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक करें कि चिकन जो है चिकन टमाटर दही सब चीज़ें अपना पानी छोड़ दें और ये इसी में कुक हो जाए। इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दें। ये देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया अपना, चिकन टमाटर दही सब चीज़ों ने अपना पानी छोड़ दिया, ये इस तरीके से इतना वैसा पानी हो गया। तब आपको इसको पानी खुशक होने तक कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के। आप इसको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं कि दही जलने लगे, दरमियानी आज तो आप इसका पानी खुशक कर लें कि चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाए। वैसे तो जूलियन कटिंग में कटिंग भी है चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता। फिर इसका पानी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने की वजह यह है कि इससे बहुत अच्छा जो है कलर आ जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आता है कलर, जैसा हम लोग बाहर खाते हैं। देखिए इसका पानी खुशक हो गया है और ऑयल जो है छोड़ दिया है चिकन में। तो अब हम इसमें इस स्टेज पे क्रीम शामिल कर देंगे, 2 टेबल स्पून क्रीम शामिल कर देंगे। इससे ये होता है कि ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो जाती है और बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाता है। क्रीम डालने के साथ ही इसके अंदर आप जिंजर शामिल कर दें, लेकिन थोड़ी सी जो है रोकिए ऊपर से गार्निश करने के लिए। बाकी हमने इसके अंदर शामिल कर दिए। पाँच मिनट के लिए आप इसको ढक के पकाएं। फिर कुक होते हुए 5 मिनट हो गए, ये देखें हमारा ये पूरा अच्छे से भून गया है। चिकन जिंजर एक्चुअली होता ही ड्राई है, इसके अंदर ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इसी तरीके से ड्राई ही होता है और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता इसके अंदर, बस इतना ही होता है। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। इसे सिंपल बस आप हरा धनिया और जो जूलियन कट में आपकी हरी मिर्चें हैं उससे गार्निश कर लें। अगर आप चाहें दम पे रखते वक्त जब आप इसे 5 मिनट कुक करेंगे तो हरी मिर्चें शामिल तब कर लें, लेकिन ज़रूरत नहीं है। चिकन जिंजर रेडी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।